नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। विंटर्स आते ही ना बहुत सारे लोगों को फूड की क्रेविंग होती है। हम ये खाना है, हमें वो खाना है, हमें ऐसे खाना है, हमें वैसे खाना है। मैं कुछ दिनों से क्रेव कर रही थी मेरे बाजरे की खिचड़ी की और बाजरे के रायते की। विंटर्स आते ही ना क्रेविंग और बढ़ जाती है, क्योंकि सब कहते हैं कि दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं और बहुत सारे फूड होते हैं। ठंड लग रही है तो भूख लग रही है, ये एक लाइन होती है काफ़ी लोगों की। ठंड लग रही है तो भूख लग रही है, मतलब साथ साथ चलेंगी चीज़ें। और भूख लगने के नाम पे बहुत सारी चीज़ों पे मंचिंग होती है, खाई जाती है और वेट लॉस जर्नी को रुकावट मिलती है। नाउ पॉइंट इज कि क्या वेट लॉस की जर्नी में हम अपने फूड एंजॉय नहीं कर सकते जो कि बिल्कुल सीजन के हैं और जो सीज़न में एक्चुअली में खाने चाहिए। बहुत सारे लोग ना वेट लॉस पकड़ते हैं स्टार्व करके, फास्टिंग करके, ये नहीं खाना वो नहीं खाना इस तरीके से। बट जब वेट लॉस आप ख़त्म कर लोगे, वेट मेंटेनेंस पे आओगे और आपने बहुत बुरी तरीके से अगर वेट लॉस करा है, वो पूरा का पूरा बाउंस बैक करेगा। सो पूरी मेहनत ज़ीरो और बहुत सारी आपको डिफिशेंसीज आ जाएंगी बॉडी के अंदर। पॉइंट इज कि जब जब हम डाइट करते हैं, मेक श्योर आप सीजन की उन हर एक एक चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें जो कि एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है। और हम सीज़न के हिसाब से चलेंगे, सीज़न की सब्जियां, सीज़न के ग्रेन्स, हर एक एक चीज़ अपनी डाइट में इस तरीके से ऐड करेंगे ताकि हम वो खा भी सकें, इन्जॉय भी कर सकें और उसके अंदर जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं, जितनी भी हमारे को चीज़ें चाहिए बॉडी के अंदर, वो सब आ भी सकें। आज हम बात करते हैं बाजरा के बारे में, बाजरा की खिचड़ी। मैं बड़े लंबे समय से क्रेव कर रही थी बाजरा की खिचड़ी और मैंने पिछले 2 से 3 हफ्तों में बाजरा की खिचड़ी 3-4 बार खाई है और मुझे वेट लॉस बहुत अच्छा मिला है। आप लोगों को पता है कि मैं वेट लॉस की जर्नी पे हूँ, मेरा वेट बहुत स्टक होकर गिर रहा है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं है, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। नाउ पॉइंट कम्स इज कि बाजरा किस तरीके से हेल्प करता है वेट लॉस करने में, कॉन्स्टिपेशन हटाने में और शुगर को कंट्रोल करने में। मैं जब अपनी फ्रेंड की वेडिंग से आई थी तो मेरा स्टमक पूरा प्लॉट था, अच्छा खासा कॉन्स्टिपेशन मेजर था, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा था। दो मैंने वहाँ पे कुछ चीट नहीं करा था, बट स्टिल भागा दौड़ी की वजह से प्रॉब्लम आती है। मैंने बाजरा की खिचड़ी ली थी 2 से 3 दिन लगातार और मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले थे। बाजरा एक रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, स्पेशली विंटर्स में आता है। बहुत अच्छी चीज़ इसमें यह है कि जिन जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है, ये ग्लूटेन फ्री ग्रेन है। अगली चीज़ यहाँ पे आती है कि जिन जिन लोगों को डायबिटिक है, जिन जिन लोगों को PCOD मेजर है, जिन जिन लोगों का इंसुलिन चल रहा है या फिर आप शुगर की मेडिकेशन पे हो, मेक श्योर आप बाजरा को हर दूसरे या तीसरे दिन अपनी डाइट में ऐड करो। स्पेशली बाजरा की रोटी बना लो, खिचड़ी बना लो, रायता बना लो, बट मेक श्योर आप उसको ऐड करो। ये आपका शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करेगा। अनदर पार्ट इज इसमें ओके प्रोटीन है, मतलब ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, बहुत कम प्रोटीन है, बट ओके प्रोटीन है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, इसके अंदर आयरन भी बहुत अच्छा पाया जाता है। एंड अनदर पार्ट, जब ये फाइबर में बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये आपके कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम पे वर्क करेगा। आपके इंटेस्टाइन में अगर थोड़ी सी भी स्वेलिंग है, थोड़ा सा भी सूजन है या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, ये उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। जो जो लोग वेट लॉस की जर्नी पे हैं, रोटी खा खा के बोर हो गए हो, चिल्ले खा के बोर हो चुके हो, चावल खा के बोर हो चुके हो, किनुआ खा के बोर हो चुके हो, या फिर यू फील लाइक कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू या फिर हम कुछ और खाएंगे, ट्राई माई बाजरा की खिचड़ी। ट्रस्ट मी, घी डाल के खाओ उस पर 1 से 2 चम्मच, आप लोगों को ऐसी फीलिंग आएगी यू आर इन जन्नत। इतनी स्वाद बनती है ये, इतनी टेस्टी है, ईजी है डाइजेस्ट करने में और ट्रस्ट मी इसको खाने के बाद आपको कोई स्वेलिंग, कोई ब्लोटिंग नहीं आएगा। अनदर पार्ट इज जिन जिन लोगों को एलर्जी रहती है बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल आपको कभी किसी चीज़ से एलर्जी होगी, कभी किसी भी फूड से एलर्जी हो गई, आप बाजरा की खिचड़ी लो एवरी ऑल्टरनेट डे, आपका जो इन्फेक्शन है बॉडी से वो भी जाएगा। अब ये बनाने कैसे है और कैसे बनती है बाजरा की खिचड़ी, हम चलते हैं किचन में। ओके, सो ये रहा हमारे पास बाजरा। इसको सबसे पहले हम अच्छे से वॉश करेंगे। मैंने 1 कटोरी बाजरा लिया है। ओके, यहाँ पे मैंने खिचड़ी के लिए लिया है मेरा प्रेशर कुकर, इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। ओके, नेक्स्ट वार्म हो गया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी मेरा जीरा। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे कड़ी पत्ता। नेक्स्ट मेरे पास है प्याज। नेक्स्ट मेरे पास है टमाटर। नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मेरा हल्दी पाउडर। नेक्स्ट इज सॉल्ट। नेक्स्ट इज सूखा धनिया पाउडर।
थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, ओके नेक्स्ट ये रही मेरे पास येलो मूंगे की दाल, 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें अंदर डाल दिया है दाल मेरी। नेक्स्ट ये रहा मेरे पास बाजरा वॉश किया हुआ अच्छे से, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी पानी 2 गिलास जितने, अब हम इसे विसल लगवाएंगे, 1 विसल तेज आंच पर, बाकी विसल हम इसे लगवाएंगे 3 विसल सिम आंच पर। बढ़िया, मुझे लगता है 2 विसल की और जरूरत है सो हम इसे 2 विसल और लगवाएंगे। ओके लेट्स सी, परफेक्ट रेडी। इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा घी, दिस फूड एंड इट्स एब्सोल्युटली रेडी। वेलकम बैक जी, अब ये तो होगी मेरी बाजरा की खिचड़ी, अनदर पार्ट आता है बाजरा का रायता, बहुत ही यम्मी होता है बाजरा का रायता, कैसे बनना है चलते हैं किचन में। ओके जी, यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं बाजरे का रायता। ये है मेरे पास बॉईल किया हुआ बाजरा, ये मैंने 7 to 8 विसल लगवाया है प्रेशर कुकर में बाजरे को अच्छे से वॉश करके। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे दही, ये है मेरी होममेड दही और इसको मैंने डाल दिया है मेरे एक बाउल में। ये बहुत थिक है दही, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, सो सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि जो मेरी दही है वो नॉर्मल हो जाए। हाँ इतना ठीक है। नाउ इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी मेरे प्याज, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है खीरा, इसको खूब अच्छे से मैं मिक्स करूँगी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है बाजरा, बाजरा के मुझे चाहिए 2 से 3 चम्मच, दैट्स इट 1 पर्सन के लिए। इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा भुना हुआ जीरा का पाउडर, ओके नेक्स्ट है थोड़ा सा हरा धनिया and it's good to go. Ready. Next, अब इनको लेना कैसे है जी, रेसिपी तो बता दी, अब इसको डाइट में कैसे इंक्लूड करेंगे, राइट? आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, आप इसको लंच में ले सकते हो, आप ऑफिस जाते हो आप इसको कैरी कर सकते हो। अगर आपका संडे है, आपको संडे फंडे बनाना है, तो धूप में बैठ के अपने बाजरा की खिचड़ी एंजॉय करो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड यू विल बी लाइक गोल एंड आप लोगों को बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। अनदर पार्ट इज जो जो लोग वेट लॉस की जर्नी पे है, किसी भी टाइप का आप डाइट कर रहे हैं, मेक श्योर आप इसको या तो ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हो, लंच में ऐड कर सकते हो, वीक में 2 बार भी आप इसे ले सकते हो, राइट? बट इसके ऊपर घी डालना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 चम्मच घी डालकर ही इसको खाना, बहुत यम लगेगा। अनदर पार्ट इज बाजरे का रायता। नाउ रायता कैसे लेंगे हम, बाजरे का रायता जो है एक फुल मील है, आप इसको लंच में ले सकते हो। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो आप लंच में इसे ऐड कीजिए। आपने अगर मक्की का रोटी बनाया है या फिर आपने किसी भी टाइप का स्टफ परांठा बनाया है, आप उसके साथ भी आप बाजरे का रायता ऐड कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि आप कभी डिटॉक्स करने का मूड है आपका कि नहीं जी आज तो मैंने कल परसों तरसों बहुत सारा खाया है, चलो मैं बॉडी क्लीन करता हूँ या फिर मैं अपने आप को थोड़ा ब्रेक देता हूँ खाने से, मॉर्निंग में आप अपना फ्रूट का बाउल ले सकते हो या फिर आप अंडे ले सकते हो मॉर्निंग में, दोपहर को अपना बाजरे का रायता लिया, रात को आपने कोई भी स्मूदी या जूसेस लिए या फिर आपने सूप बना लिया कोई भी बॉइल्ड चिकन या फिर सौते तोफू के साथ, यू आर गुड टू गो, बहुत अच्छा सा बॉडी क्लीन होगा। अनदर पार्ट इज बाजरे का जो रायता है, स्पेशली जिन जिन लोगों को पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन मेजर रहता है, जिनको स्टूल पास करते समय ब्लीड होता है, उनके लिए बाजरे का रायता बहुत अच्छा सोर्स है।
फ्लश ऑफ करने का, ईजी लाइक सॉफ्ट स्टूल पास करने का. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. प्रोबेबली हम संडे को लाइव मिलते हैं, है ना, क्योंकि मेरे को दुबई भी जाना है एंड संडे को बात करते हैं आराम से इस चीज़ों के बारे में. सो या टेक केयर जी, बाय बाय.